वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो जितने क्वेश्चन मैं आज आपको दूंगा वो सब आपको करने हैं अपने आप, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप करेंगे नोटबुक के अंदर, जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ क्वेश्चन आपका वन क्या है, उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ पिक्स सिक्स सॉल्यूशन एबीसी आर गिवन बिलो। आपको कुछ पीएच दिए हैं, पीएच वैल्यू ऑफ सिक्स सॉल्यूशन, ए टू एफ गिवन बिलो, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, इलेवन सॉरी सी इज इक्वल टू सिक्स, डी इज इक्वल टू थ्री, ई इज इक्वल टू 13 एंड एफ इज इक्वल टू 8। विच ऑफ द सॉल्यूशन आर एसिड एंड बेस, विच ऑफ द एबव आर नंबर वन एसिड, नंबर टू बेस। आपको एसिड और बेस बताना है, ठीक है, और तीसरा स्ट्रॉन्ग गेस्ट एसिड और चौथा वीकेस्ट बेस, ये आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर से। तो ये क्वेश्चन नंबर वन हुआ आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक व्हाट हैपन If excess of acid in stomach can its effect be cured, क्या इसका इफेक्ट क्योर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आयंस आर प्रेजेंट in the solution of following substance, write symbol only. आपको सिंबल ही नोट करने हैं, तो क्या क्या है हमारा,
ये है जी नंबर वन, या ए मान लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी है नाइट्रिक एसिड। सी है सल्फ्यूरिक एसिड। डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ई है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एफ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, इन्होंने कहा है कि व्हाट आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस राइट सिंबल ओनली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन होंगी, नाइट्रिक में कौन होंगी, सल्फ्यूरिक में कौन होंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन होंगी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन होंगी। तो आपको दिखाना है वो सब चीज। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेनुअल। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिंक ग्रेनुअल हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका बी पार्ट है बेटा, राइट केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद विद बेस, जो बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या रिएक्शन होती है उसको लिखिएगा, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है उसकी केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है। तो फिर समझ लीजिएगा, इन्होंने कहा पीएच वैल्यू ऑफ सिक्स सॉल्यूशन ए टू एफ आर गिवन बिलो, A0, B11, C6, D3, E13, F8, विच ऑफ द अबव आर एसिड, दूसरा बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड वीकेस्ट बेस, इन्हें पहचानना आपको। विच एसिड इज प्यूर इन आवर विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, व्हाट हैपन इफ एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, कैन इट्स अफेक्ट बी क्योर्ड, व्हाट आयन आर प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस राइट सिंबल ओनली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट केमिकल रिएक्शन। बी पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये सब चीज बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, ये तो थे आपको एसिड बेस सॉल्ट से, अब आपको रिएक्शन से बताना है। क्या है आपको रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है बेटा, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन What type of chemical reaction are represented by following equation? लेकिन आपको बताना है, आपको कुछ रिएक्शन दी गई है नीचे, तो उन्हें आपको देख के बताना है कि what type of following equation are, वो किस type की रिएक्शन है। पहला उन्होंने कहा है आपका ए प्लस बी सी मिलकर बनाते हैं ए सी प्लस बी, इसका नाम लिखना है, कौन कौन सा टाइप की रिएक्शन होगी। सेकेंड है बेटा, ए प्लस बी मिलकर के मान लीजिए डी जेड बनाते हैं, इसको बताइएगा। थर्ड पार्ट है, एक्स मिलकर के बनाता है वाई प्लस जेड। फोर, पी क्यू प्लस आर एस मिलके बनाते हैं पी आर प्लस एस क्यू। सॉरी, पी एस और आर क्यू। फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी, ए टू ओ थ्री प्लस 2B मिलके क्या बनाएंगे, B2O3 प्लस 2A, इनका नाम लिखना है, कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है क्या नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन है क्या है, बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या है आपका ए पार्ट, FeSO4 को हीट करते हैं तो बनाती है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसे बैलेंस करना है। बी पार्ट है PbNO3 लेड नाइट्रेट, सॉलिड होता है, इसको भी हीट करते हैं तो PbO बनाता है, NO2 बनाता है और O2 बनाता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है इन्होंने कहा इन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी PbS प्लस 4H2O2 मिलके बनाते हैं PbSO4 प्लस 4H2O। तो पहला क्वेश्चन है इसका, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस नंबर टू विच इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आपको बताना कौन सा तो इसमें ऑक्सीडाइज और कौन सा हमारे गैस में रिड्यूस है इन रिएक्शन के द्वारा, आपको देख के बताना है। ठीक है भाई, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा उन्होंने? इन दिस रिएक्शन क्या है SO2 प्लस 2S मिलके क्या बनाएंगे 2H2O प्लस 3S। ठीक, फिर वही है विच इज ऑक्सीडेंट विच इज रिडक्टेंट कौन ऑक्सीडेंट होगा कौन रिडक्टेंट होगा ये आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन मैग्नीशियम वायर बर्नड इन एयर, यानी Mg वायर इज बर्नड इन एयर, बी लाइमस्टोन इज हीटेड सी सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू एयर। जो सिल्वर ब्रोमाइड को हम एयर में एक्सपोज करते हैं, उसके बाद डी पार्ट
इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट थ्रू वाटर, जो वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ई अमोनिया एंड हाइड्रोजन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मिक्स टुगेदर मिक्स कर लो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ए CH3 सॉलिड हीट CaO प्लस CO2g, बी CaO प्लस H2O मिलकर क्या बनाएगी? CaOH होल ट्वाइस, सी टू सीओ, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा इंडक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन और बताते हैं आपको, क्या है जी क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर
फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. सॉल्यूशन इन्वॉल्व इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर. Displacement of copper write down the chemical reaction of the chemical equation of the reaction. इस एक्शन के आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को लिख देंगे. ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में बताते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 12. ए कलरलेस लेड सॉल्ट When heated, जब उसको गर्म करते हैं, when heated, produce a yellow residue. And brown fumes. Number one, name of salt. Salt ka naam batayega. Second, name of fumes. थर्ड पार्ट, राइट केमिकल रिएक्शन. राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. ठीक बेटा, चलिए तो इन क्वेश्चंस को करेंगे आप और बाकी आपको कल बताएंगे. Thank you.